हेलो दोस्तों, जी हां, टेक्निकल इन्फो में आपका स्वागत है। स्टेप बाय स्टेप हेल्प। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं फेसबुक अकाउंट में ईमेल आईडी को कैसे आप ऐड कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा कैसे आप अपने मोबाइल फोन से अपने फेसबुक आईडी में ईमेल एड्रेस को ऐड कर सकते हैं, और ईमेल एड्रेस ऐड करने से मतलब क्या क्या फायदा है वो भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ईमेल एड्रेस ऐड करने से गाइज ये फायदा है कि अगर आप ईमेल एड्रेस अपने फेसबुक अकाउंट में ऐड कर देते हैं, बाय द वे भविष्य में आप अगर आप अपना फेसबुक अकाउंट में, जैसे आप अपना फेसबुक अकाउंट अगर आप नंबर से बनाए हैं, मोबाइल नंबर से, अगर आपका मोबाइल नंबर कहीं खो जाता है और अपना फेसबुक का पासवर्ड भूल जाते हैं, अगर आपका ईमेल एड्रेस उसमें ऐड किया हुआ रहेगा तो आप क्या करेंगे, फॉरगेट पासवर्ड में मारेंगे, तो आपका ईमेल एड्रेस में आपका जो ओटीपी होगा ईमेल एड्रेस में भी आएगा। तो ईमेल एड्रेस से क्या करेंगे, ओटीपी लेके अपना फेसबुक अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं। अगर आपका ईमेल एड्रेस अपना फेसबुक अकाउंट में ऐड नहीं रहेगा तो आपका अगर नंबर खो जाता, भविष्य में अगर अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, तो आपको क्या होगा कि आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो कभी नहीं खुलेगा। तो अब अगर आप ईमेल एड्रेस ऐड करना चाहते हैं तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप करके आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना फेसबुक ओपन कर लेंगे। फेसबुक ओपन करने के बाद गाइज आपको यहाँ पे ऊपर देखने को मिलेगा थ्री लाइन। बस क्या करेंगे, इस थ्री लाइन में आप क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद गाइज आपको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा नीचे आएंगे। जैसे आप यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सेटिंग्स प्राइवेसी। बस क्या करेंगे, इस सेटिंग्स प्राइवेसी में क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे सेटिंग्स प्राइवेसी में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सेटिंग्स। बस क्या करेंगे, इस सेटिंग्स में आप क्लिक करेंगे। जैसे आप यहां पे सेटिंग्स में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहां पे आपको देखने को मिलेगा अकाउंट। उसी के नीचे आपको यहां पे देखने को मिलेगा पर्सनल एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन। बस क्या करेंगे, पर्सनल एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन में क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पर्सनल एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन। उसी के नीचे देखने को मिलेगा नेम, कॉन्टैक्ट इन्फो। तो गाइज यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट इन्फो में क्लिक करना है। यहाँ पे देखने को मिलेगा कॉन्टैक्ट इन्फो, इस कॉन्टैक्ट इन्फो में क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फो में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मैनेज कॉन्टैक्ट इन्फो। यहाँ पे आपका जो भी अगर आप फेसबुक अकाउंट अगर आप नंबर से बनाए होंगे तो यहां पे आपका नंबर देखने को मिलेगा। अगर आप अपना फेसबुक अकाउंट ईमेल से बनाए होंगे तो यहां पे आपका ईमेल आईडी यहां पे देखने को मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी से बनाया तो मेरा यहाँ पे ईमेल आईडी देखने को मिल रहा है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी और यहाँ पे फ़ोन नंबर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप अपना फेसबुक अकाउंट में फ़ोन नंबर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड फोन में, ऐड फोन नंबर पे क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोन नंबर है वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आप अपना फेसबुक अकाउंट में ईमेल एड्रेस ऐड करना चाहते हो, यहाँ पे नीचे देखने को मिलेगा ऐड ईमेल एड्रेस। बस क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड ईमेल एड्रेस में क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे ऐड ईमेल एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऐड एन एडिशनल ईमेल एड्रेस। तो गाइज यहाँ पे इस बॉक्स में क्या करेंगे, जो भी ईमेल एड्रेस आप ऐड करना चाहते हैं अपने फेसबुक अकाउंट में, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपना फेसबुक यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे टाइप करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। गाइस यहाँ पे अपना क्या करना, अपना ईमेल एड्रेस सही सही यहाँ पे टाइप करना है। तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस टाइप कर दिया हूँ। यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे देखने मिलेगा टू सेव दिस सेटिंग प्लीज इंटर योर फेसबुक पासवर्ड। यहाँ पे क्या करेंगे, इस बॉक्स में अपना फेसबुक पासवर्ड डालेंगे। जो भी आपका फेसबुक पासवर्ड होगा यहाँ पे क्या करेंगे, अपना फेसबुक का पासवर्ड यहाँ पे फिलअप करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड यहाँ पे फिलअप कर लेता हूँ। यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस और यहाँ पे अपना सही सही पासवर्ड फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे देखने मिलेगा ऐड ईमेल एड्रेस। बस क्या करेंगे, ऐड ईमेल एड्रेस में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलेगा मैनेज कॉन्टैक्ट इन्फो। उसी के नीचे यहाँ पे आपका जो भी ईमेल एड्रेस ऐड किए होंगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आपका ईमेल एड्रेस इज पेंडिंग। तो गाइस यहाँ पे आपका पेंडिंग रहेगा, पेंडिंग को क्लियर करने के लिए गाइस आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कन्फर्म। बस क्या करेंगे, इस कन्फर्म वाला बटन में आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे कन्फर्म में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गाइस इंटर कन्फर्मेशन कोड। तो गाइस जो भी आप ईमेल एड्रेस यहाँ पे फेसबुक में अपना ऐड किए हैं उस ईमेल एड्रेस में क्या होता है, एक कोड भेजा जाता है फेसबुक की तरफ से। तो क्या करेंगे, अपना ईमेल एड्रेस ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपको क्या करना, उसमें एक कोड मिला होगा। कोड को क्या करना, कोड को यहां पे इस बॉक्स में फिलअप करना है। तो चलिए मैं यहां पे अपना कोड को फिलअप कर लेता हूं। जैसे कंफर्म में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद गाइस आपके सामने इस तरह से यहां पे इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहां पे आपको देखने को मिलेगा इंटर कंफर्मेशन कोड, यहां पे इंटर कंफर्मेशन कोड। यहां पे गाइस आपको एक कोड फिलअप करना है जो कि कोड आपका ईमेल एड्रेस में सेंड किया गया है। फेसबुक जो होता है, फेसबुक क्या करता है, आप जो भी ईमेल एड्रेस यहां पे ऐड करते
रहते हैं, फेसबुक क्या करता है अपना आपका ईमेल एड्रेस में एक कंफर्मेशन कोड भेजता है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस ऑन करके देखता हूँ कि मेरा कोड आया है कि नहीं। तो मैं अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस ऑन करता हूँ गाइस। यहाँ पे देख सकते हैं गाइस मेरा यहाँ पे दो मेल यहाँ पे आ चुका है फेसबुक की तरफ से। तो मैं अपना यहाँ पे ईमेल ऑन करता हूँ। यहाँ पे ऑन करने के बाद गाइस देख सकते हैं गाइस यहाँ पे मुझे एक कंफर्मेशन का यहाँ पे कोड मिला है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कंफर्मेशन कोड 27391। तो यहाँ पे इस कोड को क्या करना है आपको वहाँ पे फिल करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना कोड को फिलअप कर लेता हूँ। यहाँ पे अपना कोड सही फिलअप करने के बाद गाइज आपको नीचे देखने को मिलेगा कन्फर्म, बस क्या करेंगे कन्फर्म में क्लिक कर देंगे। जैसे आप यहाँ पे कन्फर्म में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद गाइज ये कुछ सेकंड लोडिंग लेगा। देख सकते हैं गाइज मेरा फाइनली मेरा यहाँ जो ईमेल एड्रेस है यहाँ पे ऐड हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज आपका जैसे कन्फर्मेशन में क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद गाइज आप दोबारा चेक करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको चेक करके दिखाता हूँ गाइज फिर से यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपना फिर से यहाँ पे सेटिंग प्राइवेसी में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद सेटिंग ऑन करेंगे। सेटिंग्स ऑन करने के बाद आपको फिर से पर्सनल एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन में क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे गाइस यहाँ पे आपको फिर से क्या करना है कॉन्टैक्ट इन्फो में क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फो में क्लिक करेंगे गाइस यहाँ पे देख सकते गाइस मेरा जो कोई यहाँ पे मेरा ईमेल एड्रेस यहाँ पे ऐड हो चुका है। यहाँ पे देख सकते मेरा जो पहले से मेरा एक ईमेल एड्रेस यहाँ पे ऐड था, दोबारा यहाँ पे देख सकते दो ईमेल एड्रेस यहाँ पे मेरा आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से अपना ईमेल एड्रेस तो ऐड कर सकते हैं। अगर आप अपना फोन नंबर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड फोन नंबर पर क्लिक करके उस तरह से अपना फोन नंबर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो गाइस बड़ी आसानी से अपने फेसबुक अकाउंट में ईमेल एड्रेस ऐड कर सकते हैं। गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर इस तरह का हेल्पफुल जानकारी और लेना चाहते हैं चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ पूछना कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं।